नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। उज्जैन में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई पिलाई गई। केंद्र सरकार ने 1,01,000 से ज्यादा बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में भी छात्राओं को एल्बेंडाजोल की दवाई दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके गुप्ता ने बताया कि मिट्टी से 12% इन्फेक्शन होता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए यह गोली खाना काफी जरूरी है। ये राष्ट्रीय कृमि नाशन दिवस है आज का, और उसमें 19 साल तक के अपने उज्जैन के लगभग 7 लाख बच्चे हैं, उनको ये दवाई सामने खिलाई जाएगी। उनसे कहा जाएगा वो चबा के खाए, निकल आए नहीं। अपने यहाँ 12% करीब करीब मिट्टी में इन्फेक्शन रहता है, तो साल में एक दफे मनाते हैं। और बच्चों में टेप बम, हुक बम, राउंड बम के जो रहते हैं हेलमेट्स, तो उनकी वजह से वो उनके कमजोरी आती है, आत्म अवशोषण करते हैं, उनका जो मिनरल्स वगैरह वो कमी, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी होती है, बच्चे चिड़चिड़ा आते हैं, तो उनको ये सारे के संग संग उनको हैंड हाइजीन भी सिखाई जा रही है। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए न्यूज आज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।